अस्सलामुअलैकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नान को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है कैपेचिनो कॉफ़ी, और इसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे ये हम आपको बताते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हम लोगों ने नीम गर्म पानी लिया है, थोड़ा सा हमें बस पानी चाहिए नीम गर्म। और इस बर्तन के अंदर हम इसको डालकर पानी को, जो कॉफ़ी है उसको हम डालेंगे तकरीबन एक चम्मच, और दो चम्मच या डेढ़ चम्मच हम लोग चीनी का लेंगे, और यहाँ पर दूध। सिर्फ हमें ये तीन से चार जो से हैं इंग्रेडिएंट्स चाहिए कैपेचिनो कॉफ़ी बनाने के लिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने नेस्ले की कॉफ़ी ली है नेस्कैफे, इसके हम लोग तकरीबन डेढ़ चम्मच कॉफ़ी की शामिल करेंगे, नीम गर्म पानी को ऐड करेंगे, और उसके बाद जो सी चीनी है वो डालेंगे। अब मैं सब चीज़ों को डालकर आपके सामने दिखाती हूँ कैसे हम लोग इसको अच्छी तरह से बीटर से बीट करेंगे। जी तो व्यूअर्स, अब हम लोग थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। और अब हमने इसके बाद इसके अंदर जो सी ये नेस्कैफे कॉफ़ी है इसके तकरीबन हम लोगों ने डेढ़ चम्मच डाला है। और इसके बाद हम लोगों ने जो सी है शुगर वो इसके अंदर ऐड करनी है, तकरीबन वो भी हम लोगों ने दो चम्मच। ये तीन चीज़ें हम लोगों ने ली हैं, इनको अच्छी तरह से हम लोगों ने बीटर से बीट करना है। इतना इसको बीट करना है कि ये जो सा लिक्विड फॉर्म में होगा ये ख़त्म होकर फ्लफी हो जाए। तो उसको फ्लफी हम लोगों ने करना है, तो उसको बीट करना स्टार्ट करते हैं। तो आप बीटर की हेल्प से या जिस तरह आपको ईजी हो आप उसको बीट कर सकते हैं। तो इसको बीट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स, हम लोगों ने इसको बीट करना शुरू कर दिया। यहाँ पर इसी तरह से इसको हम लोग बीट करेंगे, इतना हम लोगों ने इसको बीट करना है कि ये जो सी इसकी लिक्विड शेप है ये ख़त्म हो जाए और ये फ्लफी हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसकी शक्ल चेंज हो गई है, लेकिन एग्जैक्ट जो हमें चाहिए कैपेचिनो कॉफ़ी बनाने के लिए, जो कॉफ़ी को हम लोगों ने बीट करना है, अभी वो उसकी शक्ल सही तरह से नहीं तैयार हुई। तो मैं इसको अभी और बीट करती हूँ और आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ इसको अच्छी तरह से हम लोग बीट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो इसको हम लोग बीट कर रहे हैं, इसकी शक्ल जो चेंज होना शुरू हो गई है। थोड़ा सा बिल्कुल मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है। और आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है कैपेचिनो कॉफ़ी। तो कैपेचिनो कॉफ़ी कैसे तैयार होगी इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रही थी। विंटर का सीज़न है और कॉफ़ी सबको बहुत पसंद होती है, तो आज हम आपको कॉफ़ी बनाना ही सिखा रहे हैं। क्योंकि नाजीन में ये देखें आप, जैसे जैसे मैं इसको बीट करती जा रही है उसकी थिकनेस आती जा रही है और ये जो सा है फूलता जा रहा है, फ्लफी होता। और उसी तरह मैंने जो सा दूध लिया था उसको मैंने चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया है, तो दूध भी इतने में गर्म हो जाएगा। उसको हम लोग इसी देर में यहाँ पर इसको बीट कर लेंगे। तो इसको बीट कर रहे हैं आपके सामने, और अगर आपके पास मतलब इलेक्ट्रॉनिक बीटर है तो आप इसके हेल्प से भी कर सकते हो, ईजी हो जाएगा आपको। और जितनी अच्छी तरह आपने इसको बीट किया होगा उतनी अच्छी आपकी कॉफ़ी बनेगी। तो यहाँ पर इसको बीट करते हैं और आपको दोबारा दिखाते हैं। तो अभी भी इसको हम लोग बीट कर रहे हैं, देखें अभी सही तरह से बीट नहीं हुआ। और जब सही तरह से बीट हो जाएगा तो उसकी निशानी ये है कि ये जो इसके लिक्विड है ये फॉर्म ही ख़त्म हो जाएगी और ये थिक हो जाएगा। तो अभी इसको मज़ीद थोड़ी देर और बीट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मज़ेदार सी जो सी कैपेचिनो की कॉफ़ी है, कैपेचिनो कॉफ़ी वो कैसे तैयार होगी। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं जरा वीडियो को पूरा देखना है कि मज़ेदार सी जो सी कॉफ़ी की रेसिपी है हमारे साथ आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो कैसे तैयार होगी। जी तो व्यूअर्स, अब आप लोग देख सकते हैं कि इसको हमने अच्छी तरह से बीट कर दिया। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसकी सही निशानी ये है कि इसको बीट करके जब आप तैयार कर लेंगे तो ये बिल्कुल थिक हो जाएगी और गिरेगी नहीं। यही देख रहे इसकी सूरत हाल, अच्छी तरह से मैं इसको कर रही हूँ और ये गिर नहीं रही, मतलब ये थिक हो चुकी है। क्योंकि कॉफ़ी अच्छी तभी बनती है उसको आप लोगों ने अच्छी तरह से बीट किया हो। तो अगर आप अच्छी तरह से बीट नहीं करेंगे तो कॉफ़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो अब हम लोगों ने दूध भी गर्म कर लिया है और इसको अब आपके सामने मैं तैयार करती हूँ। जी तो अब मैंने दूध गर्म कर लिया है, यहाँ पर दूध गर्म करने के बाद ये जो सी कॉफ़ी हम लोगों ने बीट की है इसको हम लोग इसके अंदर डालेंगे। वाह, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो इसको डालने के बाद इसके ऊपर भी हम लोग एक लेयर लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं व्यूवर्स कि यहाँ पर जो सी आज की हमारी रेसिपी है कैपेचिनो कॉफ़ी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी स्मूथ और कितनी टेस्टी और यमी लग रही है।
और हम लोगों ने इसको किस तरह बनाया है आपके सामने बनाया है और इसकी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। ये फ्लफी फ्लफी सी जोन्स थी हमारी कॉफ़ी है, ये कैपेचिनो तैयार हो गई है। लास्ट में इसके ऊपर हम ये स्प्रिंकल कर रहे हैं। ये देखें तो व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की जो सी हमारी रेसिपी है कैपेचिनो कॉफ़ी वो पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें। इसके साथ साथ हमारे चैनल को क्योंकि डांस को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि हमारी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और आप लोग हमें दुआ में याद रखिएगा, हम आपके लिए दुआ गो हैं। और इस मज़ेदार सी कॉफ़ी को बनाकर एंजॉय करें इस विंटर के सीज़न को, और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।